नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोड टॉक्स में और मैं हूं प्रदीप सिकवाल। आज आपको एक अनयूजुअल जर्नी दिखा रहा हूं, जो कि मैं जनरली आप लोगों को दिखाता नहीं हूं। मैं आपको ज़्यादातर रोड ट्रिप्स दिखाता हूं, लेकिन एक पर्सनल काम से मुझे एक ट्रेन की जर्नी करनी पड़ी है। दुरंतो एक्सप्रेस है न्यू दिल्ली टू सियालदा, तो उसकी जर्नी दिखाता हूँ। ट्रैवल कर रहा हूँ एसी फर्स्ट क्लास में और इस पूरे कैबिन का आपको टूर देता हूँ, ट्रेन का टूर देता हूँ, ट्रेन की सर्विसेज के बारे में बताता हूँ। कोच में एंटर कर लिया है और अब इनसाइड कैबिन जा रहे हैं। मेरी सीट ये कैबिन में है और ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये इसका दरवाजा है। पूरी प्राइवेसी का ध्यान रखा गया है और ये चार सीटें हैं इसके अंदर में। जनरली मैं आपको ये दिखाता नहीं बिकॉज इसमें दूसरे पैसेंजर्स होते हैं तो उनके कुछ इश्यूज होते हैं। बड़ा ही अच्छा नीट एंड क्लीन माहौल है यहाँ पे। एक छोटा सा मिरर लगा हुआ है, बेडिंग पिलोज एंड टॉवल सब दिए हुए हैं। रात में आप इस कैबिन को यहाँ से बंद कर सकते हैं और ये कर्टन लगा सकते हैं। ऊपर की सीट पर जाने के लिए ये एक छोटी सी स्टेयरकेस बनाई हुई है। अभी मैंने सूप पिया था तो सूप का वीडियो मैं ले नहीं पाया, तो आगे मैं जो भी खाऊंगा पीऊंगा आपको बताऊंगा। और आज मौका अच्छा है क्योंकि मेरे साथ कैबिन में कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, तो किसी की प्राइवेसी हर्ट नहीं होगी और वीडियो आपको मैं अच्छे से बना के दिखा सकूँगा। मेरी पानी की बोतल आ चुकी है और इसके साथ में एक कप मिला है मुझे। ये देखिए मेरा डिनर आ चुका है और ये सागर है, ये यहाँ पे सर्विस कर रहा है, बहुत ही बढ़िया लड़का है। लेकिन मैंने इसको रिक्वेस्ट करी कि मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगा, अभी जस्ट सूप पिया है मैंने, तो ये मान गया, ये थोड़ी देर बाद में ले आएगा मेरा डिनर। लाइट का इशू था इसलिए एक रीडिंग लाइट जला ली है और आप देख सकते हैं एक तरफ के प्रोफाइल से लाइट पड़ रही है मेरे चेहरे पर। थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद में डिनर करेंगे। मेरे साथ में है सोमनाथ दा है, इनसे मैं पहले भी मिल चुका हूँ। मैंने जब कोलकाता से मैं न्यू दिल्ली आया था तब इन्हीं के साथ आया था और किस्मत की बात है कि वापस जर्नी में भी यही मिल गए। और बहुत ही बढ़िया आदमी है, बहुत हेल्पफुल है। सोमनाथ दा बोलिए, आपका ट्रेन के बारे में कुछ बोलिए। हेल्पफुल तो आप बहुत है, वो तो मैंने आपको पिछली बार देखा कि आपने बहुत अच्छे से हम लोग का ध्यान रखा ट्रेन के अंदर में। देखिए सर, हम लोग चाहते हैं सबको पैसेंजर को हेल्प करें, यही लेकर हम लोग को जो ड्यूटी दिया है हम लोग हर समय कोशिश करते हैं पैसेंजर को खुश रखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सुना। देखिए हम लोग का तो ट्रेन के बारे में सब कुछ है, लेकिन एक चीज बहुत दिक्कत होता है, ये जो चादर कावल जो हम लोग का जो शॉर्टेज होता है ये हम लोग का बहुत दिक्कत है, जिससे हम लोग का पैसा काट लेता है। एसी फर्स्ट क्लास से भी ले जाता है लोग, बहुत ले जाते हैं सर। आपने सियालदा से आने के टाइम में तीन कावल शॉर्ट है। अच्छा, तीन टावल का हम लोग का एक टावल के लिए 45 रुपए करके काट लेगा। ओ, जितना कमाया नहीं उतना कट गया। पैसेंजर अगर खुश रहेगा तो हम लोग भी खुश है। बिल्कुल बिल्कुल सही, एकदम सही बोले। इंडिया रेलवे की तरफ से हम लोग का रखा है, पैसेंजर का कोई तकलीफ ना हो, कब की जो सुविधा के लिए हम लोग रखा है। ठीक है ठीक है सोमनाथ दा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाइयों ये ध्यान रखो कि जब आप ट्रैवल करते हो तो जो लेने आपको मिलता है उसको वापस से आप ठीक से रखें, ताकि इनके भी पैसे नहीं कटें। इनके ही पैसे कटते हैं तो दुख होता है। साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है इस ट्रेन के अंदर में, और खाली इसी ट्रेन के अंदर में नहीं, आजकल इंडियन रेलवे साफ़ सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही है। हाइजीन क्लीनिनेस बहुत है। और अभी तो मैंने बहुत टाइम से ट्रेन का सफ़र किया नहीं था, लेकिन अभी जब न्यू दिल्ली स्टेशन पे ट्रेन खड़ी थी तो मैंने देखा कि एक आदमी आया और वो जितने भी विंडोज़ हैं उनको साफ़ कर रहा था, उसमें अगर थोड़ा कुछ भी गंदा लगा हुआ है तो वो उसको साफ़ कर रहा था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इससे पहले मैंने कभी ऐसा देखा नहीं था। आ गए, मेरा टिकट चेक कर रहे हैं, पीटी साहब है। अच्छा, और बर्थ नंबर फोर,
और मेरा आईडी कार्ड मैं दिखा देता हूँ इनको। तो मेरी टिकट और आईडी दोनों चेक करा दिया मैंने सर को। थैंक यू। ओके थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। भारतीय रेल में एक बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट है। और आई डोंट नो, शायद मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है कि मैं 3-4 साल बाद में ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ। जनरली तो आपको पता है मैं गाड़ी से ही ट्रैवल करता हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम यूज़ करता हूँ, क्योंकि वही अपना पैशन है गाड़ी में चलना। लेकिन अब कहीं अकेला जाना हो, लंबी जर्नी करनी हो, तो कोई उपाय भी नहीं है। अगर वापस जल्दी आना है तो ट्रेन में या फ्लाइट में ट्रैवल करना पड़ता है। यहाँ बेड साइड स्विचेस दिए हुए हैं जो इन लाइटों का कंट्रोल है यहाँ पे, और चार्जिंग पॉइंट्स भी है, 2 चार्जिंग पॉइंट है यहाँ पे, तो 2 जने अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, सफिशेंट है, इनफ है। ये ऊपर एक रैक है, यहाँ आप अपना कुछ सामान रख सकते हैं। डिनर अपना आ गया है और आपको दिखाता हूँ क्या है। ये अपनी प्लेट आ गई है, इसमें पराठा या रोटी कुछ होगी, और ये सब एक एक खोल के मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या है। मिक्स्ड पिकल है, दही है, ये इसके अंदर में कटलरी है, सॉल्ट है, पेपर है, ये माउथ फ्रेशनर है, ये पता नहीं क्या, ये देखना पड़ेगा, ब्लैक पेपर है, माउथ फ्रेशनर है, टिश्यू पेपर है, ये पनीर की सब्जी है, दाल है, ये आलू, आलू छोला या आलू मटर कुछ लग रहा है, और इसमें शायद राइस है। तो आइए प्लेट लगाते हैं। प्लेट लगा ली है और अब थोड़ी थोड़ी सब्जी और ये सब ले लेते हैं, और खाना खा के आपको बताता हूँ कि कैसा टेस्ट था इसका। खाना खा लिया है, खाना बहुत ही अच्छा था, सिंपल था और टेस्टी था खाना। साथ में बाद में एक आइसक्रीम भी ला के दी उसने मेरे को। तो डिनर अपना हो गया है और अब थोड़ी देर में बेड लगाते हैं और सोएंगे। देखिए जैसे ही डिनर कंप्लीट हुआ है तो कुछ खाना वाना नीचे नहीं गिर गया हो, उसकी सफाई के लिए ये भैया आए हैं और फिनाइल से पूरा साफ कर दिया है। फिनाइल की सेंट भी बहुत अच्छी है। अगर कुछ खाना वाना किसी का गिर गया हो तो उससे गंदगी और नहीं फैले। ये अपने को एक बेडिंग मिला है, ये एक पैकेट है, इसके अंदर में 2 बेडशीट्स हैं, ये एक छोटा हैंड टॉवल है, और एक ये ब्लैंकेट है, और एक ये पिलो है। पिलो की क्वालिटी थोड़ी और अच्छी हो सकती थी। इंडियन रेलवेज ने हर क्षेत्र में सुधार किया है, लेकिन पिलो वैसे के वैसे ही है। तो आइए अपना बेड बनाते हैं, बेड बना के दिखाता हूँ। तो ये अपना बेड रेडी हो गया है, देखिए कितना बढ़िया बेड लगाया है मैंने। ब्लैंकेट के नीचे एक बेडशीट और लगा दी है ताकि ब्लैंकेट चुभे नहीं, और दूसरी सीट पे पैसेंजर्स नहीं हैं तो उनके पिलो ले लिए मैंने। तो अब कल सुबह मिलते हैं और कल सुबह हम क्या क्या करेंगे वो बताता हूँ आपको। मॉर्निंग फ्रेंड्स, जाग चुके हैं, ट्रेन भी थोड़ी लेट है और हमारा ब्रेकफास्ट लग चुका है, तो आपको ब्रेकफास्ट दिखाता हूँ। ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स है, एक बनाना है, ब्रेड बटर है, और अब ये कॉर्नफ्लेक्स रेडी कर रहा है सागर। चाय कॉफ़ी भी होगी।
ट्रेन हमारी लेट हो चुकी है और लंच टाइम से पहले पहुंचना था, इसलिए लंच अवेलेबल नहीं था। तो ये एक टेम्प्ररी लंच हम लोग को मिला है, खिचड़ी सब्जी और अचार। सियालदा स्टेशन पहुंच चुके हैं और ट्रेन काफ़ी लेट हो गई थी, 5-6 घंटे लेट हो गई थी। आशा करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट, और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम।